अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही कमाल की है और आपके बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है आपके लिए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके फ़ायदे वगैरह जो है वो भी आपको बताऊंगा और उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है आपके लिए अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो। यहाँ पे घड़ी जो है ये आ गई है, हमने इसको घड़ी को खोल लिया। खोलने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें सीख लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइम जो है वो फिक्स कर लेता हूँ, जो भी मेरी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे 2:30 कर लेता हूँ, जो भी मेरी मर्ज़ी है। मैं अपनी मर्ज़ी का टाइम जो है यहाँ पर रख सकता हूँ। तो जो भी टाइम मैंने फ़िक्स किया, उसके बाद दरमियान में जो बटन है मैंने उस पर ज़ोर दिया। उसके बाद फिर से मैं 2:30 करके फिर दरमियान वाले बटन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपने कोई भी ईमेल लगा लेना है। अगर आपका अपना ईमेल है तो आप उस अपना ही ईमेल लगा लें, क्योंकि अगर आपको टाइम भूल जाए तो आप उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी जीमेल लगा सकते हैं, कुछ भी। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के जो है वो लगा देता हूँ। तो आपने भी देख लेना है, अगर आपके पास अपना ईमेल है तो वो अपना लगा लें, अगर आपके पास अपना नहीं है तो आप कुछ भी लिख के इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, वीडियोस, फ़ोटोज़। और यहाँ पे आपने पिक्चर पे क्लिक किया और उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपने मोबाइल की कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉक का जो बटन है मैं उस पर दबा देता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉक के बटन को दबाऊंगा, जो मेरी पिक्चर जो थी ये गैलरी में से हट के इस सॉफ्टवेयर में से आ गई है, गैलरी में ख़त्म हो गई है, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अब ये पिक्चर जो है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद मैं वीडियो पे भी क्लिक करता हूँ, वीडियो पे भी आपको यही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इम्पोर्ट वीडियो, इम्पोर्ट फ़ोटोज़, इम्पोर्ट ऑडियो और अदर फाइल्स, कैमरा, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अदर फाइल भी हैं और उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी फोल्डर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको बैग किया तो यहाँ पे आप देखें कि टाइम इसका जो है 8:21 है और यहाँ पे ये भी 8:21 ही बता रही है। तो किसी को भी शक भी नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, घड़ी ओरिजिनल है या फिर लॉकर है या कुछ है। अभी मेरे मोबाइल का टाइम और अभी जो टाइम है वो बिल्कुल यही है। उसके बाद दरमियान वाले बाद में आपने अपना टाइम लगाना है, जो भी आपने टाइम लगाया होगा। उसके बाद फिर से दरमियान वाले बटन को दबाना है तो आपका वहीं पे आपको ले आएगा जहाँ पे आपने अपना पासवर्ड वगैरह लगाया है। तो बहुत ही कमाल है। और उसके बाद जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो ये बिल्कुल घड़ी की तरह ही बन जाएगा, ये आपको टाइम ही बताने लग जाएगा, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं दिखाएगा। ये बिल्कुल अब घड़ी बन गई है। तो इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। प्ले स्टोर पर आपने लिखना है क्लॉक द वॉलेट सीक्रेट फोटो वीडियो लॉकर। तो ये चीज़ आपने इंस्टॉल कर लेनी है, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें।